good morning students welcome to the new session of learning we are today going to deal with business studies and this is chapter number one it's it's name is nature and purpose of business okay so i have already sent you the pdf which contains the notes of whole of the chapter okay so uh, today i will send you topic wise explanation so, our first topic is टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ दैट इज हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ठीक है हम लोग समझेंगे आज की हमारा जो कॉमर्स uh, है उसका हिस्ट्री कब से है ओके okay? तो uh, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा ओके okay? तो सबसे पहले हमारा जो कॉमर्स था वो स्टार्ट हुआ था बाटर सिस्टम से ओके एवरी वन नोज यू हैव हर्ड अबाउट द बार्टर सिस्टम सबको पता है बाटर सिस्टम क्या होता है बाटर सिस्टम में क्या होता था कि आप एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स खरीदते थे ओके, okay? ओके, okay? अगर किसी को मैंगो चाहिए होता था तो वो मैंगो लेने के लिए बनाना देता था ओके okay? अगर मान लो किसी को सूज चाहिए तो सूज लेने के लिए वो क्लोथ देता था ओके okay? अब मान लो किसी को बैंगल्स चाहिए तो उसके लिए इर देना पड़ता था जस्ट एन एग्जाम्पल ओके इसमें क्या था बाटर सिस्टम में आपको गुड्स के बदले गुड्स देना पड़ता था ओके तो ये था बाटर सिस्टम बट ये जो सिस्टम था वो फेल हो गया क्यों फेल हो गया मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मान लो किसी इंसान को घर बनानी है ओके घर बनानी है या फिर घर खरीदनी है ठीक है तो वो जिससे भी घर खरीदेगा उसको उसके बदले में जमीन देना पड़ेगा ओके मान लो किसी को घर खरीदनी है ठीक है तो उसको उसके बदले में क्या देना देना पड़ेगा जमीन देना पड़ेगा ओके बट घर बनाने के लिए जो लेबर का रिक्वायरमेंट है वो सारे लेबर भी क्या बोलते थे कि हम आपके घर बना रहे हैं तो इसके बदले हमें भी जमीन चाहिए ओके फिर से सुनिए एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन घर बनाना चाहता है या फिर खरीदना चाहता है ठीक है तो वो बायर से क्या बोलेगा ठीक है मुझे ये घर दे दीजिए और इसके बदले मैं आपको जमीन दे दूंगा ओके यहां तक तो सही था ओके बट uh, उसको घर बनाने के लिए फिर लेबर की जरूरत पड़ती जमीन जो मिल रहा था रिटर्न में तो उसको जमीन पे घर बनाने के लिए उसको लेबर की जरूरत पड़ती ओके okay? तो लेबर uh, भी क्या मांग रहे थे कि हमें भी जमीन चाहिए तब हम आपका घर बनाएंगे ओके okay? और आज लेबर क्या मांगते हैं डेली वेज ओके okay? उस जमाने में क्या मांगते थे लैंड मांगते थे उसके बदले में तो इस इतना सारा कंफ्यूजन होने के कारण बाटा सिस्टम नहीं चला उसका एक ड्रॉबैक्स का नाम आपके बुक में जो दिया हुआ है दैट इज डबल डबल कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस ऑफ वांट वांट ओके जिसका मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया लेबर और घर वाला ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में कहा जाता है ओके बिकॉज ऑफ दिस द सिस्टम ऑफ बाटा सिस्टम वॉर्ज फेल्ड उसके बाद आपको पता है हिस्ट्री में बहुत सारे किंग्स आए अलग अलग डायनेस्टीज आई ठीक है सब ने अपना अपना कॉइन इशू कराया ठीक है कभी मेटल कॉइंस आए कभी गोल्ड कॉइन्स आए कभी सिल्वर कॉइंस आए ओके कभी स्टील के कॉइन्स आए इस तरह से जिसका uh, जिस राजा की डायनेस्टी जैसी चली वैसी वैसी मनी में भी चेंजेस भी आती रही ठीक है उस समय uh, वो बैटर सिस्टम का सॉल्यूशन uh, था ओके okay? जो जितने भी ड्रॉबैक्स थे बैटर सिस्टम में उस समय ये जो कॉइन्स ये सब जो इश्यू करते थे किंग्स uh, या फिर डायनेस्टीज उस टाइम्स के तो ये जो था ये उस समय बाटा सिस्टम का सॉल्यूशन था ओके okay? बट जमाना चेंज होते गया होते गया होते गया एंड आज हमारा जो है कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स क्या है कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विथ एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस मान लो ये पूरा बिजनेस है मान लो ये पूरा बिजनेस है तो कॉमर्स बस इसका एक पार्ट है ओके okay. इसीलिए कहा गया है कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस ठीक है कॉमर्स क्या है बिजनेस का ही एक ब्रांच है राइट right? क्यों क्योंकि अगर मान लो ये होल इज कॉमर्स सॉरी बिजनेस ये पूरा का पूरा सर्कल बिजनेस है तो उसका छोटा सा उसका एक ब्रांच का नाम है कॉमर्स ओके सो बिजनेस इज वेरी वास्ट ओके तो कॉमर्स uh, मेनली क्या चीज से कंसर्न है एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस गुड्स ठीक है गुड्स बोलते हैं सामान को ओके एंड सर्विसेज बोलते हैं जो uh, सुविधाएं होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज में आप uh, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हो ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर ओके आप जो एजुकेशन ले रहे हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर ओके तो आप इस चीज का जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं कॉमर्स ओके तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ट्रेड कॉमर्स किसको इंक्लूड करती है ट्रेड को भी इंक्लूड करती है तो इसमें क्या है ट्रेड है एंड एक्जरीज टू ट्रेड ट्रेड के साथ साथ और क्या इंक्लूडेड है एक्जरीज टू ट्रेड अब आप पूछोगे एक्जरीज टू ट्रेड क्या होता है ये देखो मैंने लिखा है एक्जेलरीज टू ट्रेड उसको बोलते हैं जो हमें ट्रेड करने में या फिर बिजनेस करने में हेल्प करती है रिपीटिंग अगेन एक्जरीज टू ट्रेड उनको बोलते हैं जो कि हमें ट्रेड करने में या फिर बिजनेस करने में बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है ओके फॉर एग्जाम्पल सो Uh, जो हमारे बिजनेस को आगे बनाने में फ्लोरिश करने में एक्सचेंज होने में डिस्ट्रीब्यूशन होने में जो हेल्प करती है जो कॉमर्स को हेल्प करती है जो ट्रेड को हेल्प करती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्जरीज टू ट्रेड जैसे ट्रांसपोर्टेशन ओके okay? जैसे अभी आप लोग कंट्री का सिचुएशन देख रहे हो ना बीच में तो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल रोक दिया गया था और आप उस समय अगर गौर किए होंगे तो आपको देखना कि आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कितने महंगे मिल रहे थे एंड द पीपल वर फाइटिंग फॉर द राशन गुड्स ठीक है ये सब क्यों हो रहा था क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट रुक जाए तो जो गुड्स uh, होता है या फिर सर्विस होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बिल्कुल रुक जाता है मतलब उनका एक्सचेंज जो हो रहा है वो बिल्कुल रुक जाता है तो ठीक है तो uh, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है तो ये अगर रुक जाए तो हमारा बिजनेस हो ही नहीं सकता कॉमर्स हो ही नहीं सकता है ट्रेड हो ही नहीं सकता है ठीक है इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल ओके बैंकिंग इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल क्यों बैंक से ही तो लोग फंड लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वे वे वेरी हेल्पफुल आपको तो पता होगा बिना कम्युनिकेशन का कुछ भी नहीं हो सकता ओके सो कम्युनिकेशन इज वेरी हेल्पफुल एंड लास्ट इट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल हमें सारे गुड्स का इंफॉर्मेशन कौन से गुड्स में क्या क्वालिटी है ठीक है हमें कौन सा गुड्स यूज करना चाहिए इसका इंफॉर्मेशन कहाँ मिलता है एडवर्टीजमेंट से मिलता है ये हमारे नॉलेज को और इन्हेंस करता है ओके सो दीज ऑल आर द एक्सिलरीज टू ट्रेड ओके हम देखते हैं कि जो हमारा आज का जो हमारा कॉमर्स है ठीक है आज का जो हमारा कॉमर्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम का है क्यों कॉम्प्लेक्स सिस्टम का है भाई इसलिए है कि आज के कॉमर्स में सिर्फ नेशनल लेवल के ट्रेडर इंक्लूडेड नहीं है ओके नेशनल लेवल के ट्रेडर इंक्लूडेड नहीं है नेशनल ट्रेडर्स कौन होते हैं ठीक है अगर हमारे कंट्री के ही ट्रेडर रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल ट्रेडर ठीक है बट आपको पता है ना कि आज के जमाने में इंटरनेशनल ट्रेडर भी इंक्लूडेड है क्योंकि हमारा कंट्री जो है एक्सपोर्ट भी करता है इम्पोर्ट भी करता है देखो आप एग्जाम्पल आपके सामने ही है सब कुछ आपके सामने होता है बस आपको उसको सब्जेक्ट से कोरिलेट करना पड़ता है ठीक है कैसे सामने है देखो चाइना को चाइना की गुड्स लेना से लेने से हम लोग इनकार कर दिए ठीक है।, है इंडिया ने इनकार कर दिया तो उनकी कितनी ज़्यादा नुकसान हुई वाई इस, वो इसीलिए क्योंकि हमारे कॉमर्स में हर एक किसी भी कंट्री के कॉमर्स में ठीक है सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो चुका है आज के जमाने में क्यों इसलिए क्योंकि वो सिर्फ नेशनल ट्रेडर्स नहीं है अब इंटरनेशनल ट्रेडर भी जुड़ गया है क्योंकि हर एक कंट्री अब एक्सपोर्ट भी करती है इम्पोर्ट भी करती है ओके सो द सिस्टम इज बिकमिंग डे टू डे वेरी कॉम्प्लेक्स अभी हमारा जो कॉमर्स है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट आई अब डेवलपमेंट uh, आई है जैसे अब इनके डेवलपमेंट आने के पीछे कुछ कुछ पॉइंट्स uh, है जो कि आपको दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट आई है क्यों इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की वजह से क्यों राइज ऑफ इंटरमीडियरीज की वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रेडिंग कम्युनिटीज की वजह से एंड मर्चेंट मर्चेंट कारपोरेशन की वजह से ओके अब हम लोग ये जो आपको जितने भी नाम बताए गए हैं इसको हम लोग वन बाई वन देखेंगे ओके वन बाय वन देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे ये सब होती क्या है कैसे ये सब हमारे कॉमर्स को अपलिफ्ट कर रही है ठीक है तो अभी इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली हम लोग बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस ओके इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं तो आप लोग माइंड में रख लेना कि हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं वरना आप लोग आज के बैंकिंग सिस्टम में मत कूद जाना और आ, उसको रिलेट करने लग जाना ओके okay? तो ये हम लोग इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं वो बिफोर नाइनटीन की बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस से पहले जो था उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो ये कॉमर्स को अपलिफ्ट कर रही थी और ये आ, कोई भी ऐसी बैंकिंग सिस्टम नहीं थी कि जो गवर्नमेंट हो ठीक है ये प्राइवेट सेक्टर थी ठीक है ये मोस्टली उस समय उस समय तो नेशनलाइज हुआ नहीं था हमारा ठीक है तो उस समय ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स थी ठीक है और ये इनको हम मनी लेंडर्स नहीं बोल सकते हैं मनी लेंडर्स मतलब साहूकार्स साहूकार हम इनको नहीं बोल सकते हैं क्यों नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम मनी लेती थी डिपॉजिट लेती थी उसके बाद लोन्स भी देती थी ओके समझिए ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम पहले तो मनी लेती थी मतलब सेविंग्स डिपॉजिट uh, कराती थी ओके okay? और उसके बाद लोन्स भी प्रोवाइड कराती थी जनरली बैंक्स का तो दो ही काम होता है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स uh, प्रोवाइड कराना तो ये वही दोनों काम करती थी बट जो साहूकार होते हैं मनी लेंडर्स को ही साहूकार बोला जाता है तो वो साहूकार होते हैं वो क्या करते हैं सिर्फ सिर्फ लोन्स प्रोवाइड कराते हैं मनी डिपोजिट मनी नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं लोन्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं और डिपोजिट मनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये बैंकिंग सिस्टम था उस समय का प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम था ठीक है तो ये अभी हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे हेल्पफुल था तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स ये जो स्मॉल ट्रेडर्स थे होते हैं स्मॉल ट्रेडर्स मतलब छोटे व्यापारी ओके उनको भी एक क्रेडिट मतलब होता है उधार देना ओके okay? आप लोग अभी न्यू है तो ये सारे वर्ड्स आप लोग के लिए न्यू होंगे क्रेडिट मतलब होता है उधार देना स्मॉल ट्रेडर्स को उधार देते थे ओके okay? और ज्यादा उस समय का ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता था बस आप गए और आपको मिल जाता था लोन ठीक है इट वॉज क्वाइट सिंपल दैट टाइम ओके क्यों क्योंकि उसमें बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट थे एंड ऑल ओके सेकेंड इज क्रेडिट फोर टू एग्रीकल्चर वो लोग एग्रीकल्चर को भी क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे ठीक है फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्रेडिट देखिए दो तरह की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म होती है एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म होती है शॉर्ट टर्म का मतलब होता है एक साल के लिए आपको उधार मिल रहा है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म मीन्स एक साल से ज्यादा और दस, 10, 10 ईयर्स 12 ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स कितने भी हो सकते हैं ओके तो जब भी किसी बिजनेस को अपना पूरा का पूरा आ, मशीन सेटअप करना हो या तो कैपिटल इन्वेस्ट करना हो कैपिटल मतलब पूंजी पूंजी इन्वेस्ट करना हो तब उनको क्या करना पड़ता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेना पड़ता है ठीक है जा मतलब आ, उधार लेना पड़ता है काफ़ी लंबे साल से साल के लिए ओके तो वैसे में आ, ये जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम थी ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड कराती थी तो इस तरह से ये जो तीनों इनका काम था इससे वो कॉमर्स को लिफ्ट की ठीक है बट ये जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में काफी डिफेक्ट्स थे डिफेक्ट्स मतलब होती है कमियां ओके काफी डिफेक्ट्स थे डिफेक्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन ठीक है डिफेक्ट्स ये थे तो सबसे पहला डिफेक्ट ये है ओल्ड मेथड्स ऑफ बिजनेस ठीक है ये लोग काफी पुराना मेथड था इनका बिजनेस करने का ठीक है ये लोग मॉडर्न मेथड्स या टेक्निक्स को नहीं अपनाना चाहते थे ये लोग वही पुराना मेथड्स के साथ बिजनेस कर रहे थे ये इनका पहला डिफेक्ट था ठीक है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी देखिए सारे बैंक्स एक रहते हैं मतलब आपका प्राइवेट बैंक्स का एक तरफ है उनका ग्रुप और जो गवर्नमेंट बैंक है उनका एक तरफ है ग्रुप एस की ग्रुप एक तरफ है वो सब एक दूसरे से कोपरेट करते हैं बट उस समय का जो बैंकिंग सेक्टर था वो ऑर्गेनाइज नहीं था ठीक है हर एक बैंक दूसरे बैंक से जेलस फील करते थे ओके okay? और अपना बस फायदा देखते थे अपने आप को बस लिफ्ट करना चाहते थे ओके okay? तो इस वजह से ये बैंकिंग सिस्टम ज्यादा नहीं प्रोग्रेस कर पाया थर्ड इज डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग मनी लेंडिंग का भी काफी डिफेक्टिव सिस्टम था ठीक है ज्यादा खोज छानबीन या पड़ताल या तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी ठीक है वो लोग आराम से किसी को भी लैंड कर देते थे देख जैसे आज की बैंकिंग सिस्टम क्या है कि आपको पहले वो देखेंगे कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए लोन ले रहे हैं या कि नहीं ले रहे हैं तभी आपको लोन मिलेगा बट उस जमाने में ऐसा कुछ देखा नहीं जाता था प्रोडक्टिव हो अनप्रोडक्टिव हो बस लोन दे दिया जाता था ओके okay? तो और काफी लोन का जो इंटरेस्ट था वो काफी हाई चार्ज किया जाता था तो दिस वॉज वेरी अनफेयर मीन्स ऑफ मेकिंग मनी ठीक है एंड फोर्थ इज बैंकिंग एंड ट्रेडिंग ओके बिसाइड ये लोग बैंकिंग एक्टिविटी ही नहीं करते थे उसके बाद ही अभी का बैंक जो है वो उसका मेन एक्टिविटी है बैंकिंग उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं बट उस जमाने के बैंक को वो बैंकिंग के अलावा और भी बहुत सारे एक्टिविटीज साथ में क्या करते थे बैंकिंग तो कर ही रहे हैं बाकी बात और भी बहुत सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते थे ओके देन नेक्स्ट इज डिफेक्टिव सिस्टम अकाउंट्स ठीक है उस समय का जो अकाउंट्स था वो काफी डिफेक्टिव सिस्टम का था उसमें अकाउंट्स के जो डिटेल्स होते थे ओके ठीक है अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका काफी डिफेक्टिव था वो ऐसे कि आज का जो बैंकिंग सिस्टम है उनको जो अपना अकाउंट्स जो है वो पब्लिक को दिखाना पड़ता है कि देखिए हमने इस तरह से हमारा अकाउंट्स है वो आ, उनको अपना जो अकाउंट्स है वो पब्लिश कराना पड़ता है पब्लिक को बट उस समय का जो अकाउंटिंग जो बैंकिंग थे उनका जो अकाउंट्स हुआ करता था उनको सीक्रेट रखा जाता था वो कभी कोई बैंक पब्लिक को उनका जो भी सीक्रेट्स है वो पता नहीं चलता था कि वो कर क्या रहे हैं या फिर उनका जो बिजनेस है वो घाटे में चल रहा है क्या है कुछ भी पता नहीं चलता था ठीक है और साथ ही साथ एक और चीज़ थी कि अभी ऑडिट होती है ऑडिट का मतलब होता है यू आर न्यू टू दिस वर्ड्स सो ऑडिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट्स जो आपने बनाया है आपके सीए जो अपने अकाउंट्स को मेंटेन uh, कौन करता है बनाता कौन है सीए। ओके तो सीए का जो अकाउंट्स बनाया हुआ है उसको एक ऑडिटर आएगा वो बाहर से आता है वो कंपनी में नहीं होते हैं ठीक है वो बाहर से आते हैं चेक करने के लिए बट उस जमाने के जो बैंकिंग सेक्टर्स थे वहां पे कोई ऑडिटर्स नहीं थे ओके okay? और कोई भी अकाउंट्स चेक नहीं होता था ठीक है लास्ट सिक्स पॉइंट इज फ्रॉड ठीक है फ्रॉड जो एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा थी क्योंकि उसमें कोई भी रिसिप्ट काट करके नहीं मिलता था कि आपने इतना डिपॉजिट किया ओके okay? कोई भी रिसिप्ट नहीं मिलता था किसी को भी कि आपने रिसिप्ट जमा किया है उसमें कि जो कस्टमर थे काफी अनपढ़ थे पढ़े लिखे नहीं थे इलिटरेट थे ठीक है और जो बैंकिंग सिस्टम इस तरह की थी कि उनको चीट करना चाहते थे काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे ठीक है और फिर उनका जब मन करता था तब तो अमाउंट को इन्फ्लेट कर देते थे मतलब अमाउंट बढ़ा दिया जाता था ठीक है उनसे काफी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले लिया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे लिया जा रहा है कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट पे लिया जा रहा है ओके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने देर से तो हम लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट काफी हाई था हाई था हाई था ओके तो दीज ऑल थिंग्स आर द डिफेक्टिव ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम होल यू अंडरस्टूड होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स विच आई टॉट टूडे ठीक है डू वन थिंग यू गो थ्रू द टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे ओके सो स्टे सेफ Keep calm and study continuously. Thank you.